बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही टेस्टी आलू और चिकन की टिक्की तैयार करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में फैमिली में शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूबी एचडी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और ये मज़ेदार सी आलू और चिकन की टिक्की जो तैयार करते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी सी ज़रूरी से तैयार। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज हम बहुत ही मज़े के आलू चिकन के कबाब तैयार करेंगे। तो बनाना बिल्कुल आसान है। तो माशाल्लाह से ये देखिए, आलुओं को हमने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। तो बॉयल करने के बाद हमने फ़ौरन ही इनको पानी से निकाल लिया था। ठीक है, पानी से निकालने से ये होता है कि आलुओं के बीच में पानी नहीं जाता और थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रखते और ये ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, आलुओं को अच्छे तरीके से मैं मैश कर लूँगी। ठीक है, कांटे की मदद से। तो हाँ जी, सब आलुओं को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो चीज़ें वो ऐड करेंगे, ये मैंने चिकन बॉईल किया हुआ है, इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अलग अलग कर लिया था मैंने चिकन को। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले जो है। हरी मिर्च ऐड करेंगे एक चम्मच भर के, ऐड कर देंगे। थोड़ा सा प्याज भी ऐड करेंगे, प्याज को मैंने चॉप किया हुआ है। प्याज के अंदर से जो पानी था वो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि नए वाले प्याज है तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया। मसाले ऐड करेंगे एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, एक से दो चम्मच दड़ा मिर्च ये ऐड कर देंगे, पीसा धनिया पाउडर ये ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। तो हाँ जी, अब हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो अब हम इसे साइड पे कर देंगे। तो हाँ जी, बेसन लिया मैंने एक कप। ठीक है, एक कप बेसन लिया मैंने, इसे अच्छे तरीके से मैंने छान लिया था, क्योंकि मौसम इस तरह का है सुंडियाँ वगैरह भी डर सकती है। ठीक है, और थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दूंगी मैं। और नमक भी ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे, अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, धड़ा मिर्च है ये भी मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। तो हाँ जी, थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं ऐड करूंगी, ज़्यादा हमने इसे पतला नहीं करना। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे साथ साथ इसे। थोड़ा सा मैं और पानी ऐड करूंगी। तो हाँ जी, इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, इस तरह का हमने करना। ठीक है, ज़्यादा पतला ना हो। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो हाँ जी, ना आपको अंडा ऐड करने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ मैदा वगैरह लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, और ब्रेड वगैरह भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इससे हम इसे, इसकी जो टिक्की हैं गोल गोल सी, जिस शेप में बनाना चाहते हो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इस शेप में बनाएंगे। ठीक है, इतने साइज़ में। तो ये देखिए, इसी तरह हमने सब तैयार कर लेनी है। तो हाँ जी, साथ साथ हम ये लगाते जाएंगे। ठीक है, इसी चम्मच से हम इसकी जो साइड है वो भी चेंज करेंगे। तो इसी तरह हमने निकाल निकाल के ऐड करते जाना है। ठीक है, इसी तरह। तो हाँ जी, ऑयल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। ठीक है, तो हाँ जी, अब हम इनकी जो साइड है वो चेंज करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमने सबकी साइड चेंज कर देनी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी तैयार होगी। इस तरह आपको अंडा भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ब्रेड भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह बनाइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगी।
तो हाँ जी माशाल्लाह से ये देखिए ये तैयार हो चुकी है, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। माशाल्लाह से देखिए, तो हाँ जी माशाल्लाह से हमारे आलू चिकन की टिक्कियाँ जो तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैमिली में वीडियो को शेयर करना है दोस्तों में। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही ज़्यादा अंदर से इतनी सॉफ्ट और बाहर से माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो आप इसको किसी भी चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।